चेयरमैन तहरीके इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं ये बताएंगे मोहम्मद इशफाक। इशफाक बताए गए सवाल से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया तीन रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच की सरबराही लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम करेंगी, जबकि फुल बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असद जवेद बुराल शामिल हैं। नया तीन रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है और दरख्वास्तों में ये मौका भी इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और तौहीन अदालत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत अदालत को हासिल है और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई को कलदम करार दिया जाए। अब ये नया तीन रुकनी फुल बेंच जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक अपडेट कर रहे थे।